बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है, तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। आज एक प्रवक्ता, बीजेपी का पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया, जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना, कल भी उतने बजे उठना है। और कल जब 8:15 बजेंगे आपको, नहीं वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूं, धन्यवाद भाई साहब, आ तो गए यहां। वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक, एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे रुझानों तक। एक चैनल देखा आज मैंने, वो 3 बार, उसकी एंकर जो थी, 3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब आप वो कह रही है नहीं 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 ये आंकड़े तो गलत थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? हद है। कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा है। और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, और जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अरविंद जी निकले, वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। देखिए, हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं कि 1 जुलाई से हमने गारंटी दी थी, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली के बिल हमने फ्री किए। 75 लाख मीटर हैं, उसमें से 61 लाख मीटरों को बिजली का बिल जीरो आया जी। और अगला दिसंबर का बिल 67 लाख, जो 67 वाला हमारा आंकड़ा नहीं है, जब पहली बार 70 से जीते थे, 67 लाख घरों को जीरो बिल आएगा। जनवरी का नए साल का तोहफा पंजाबियों के लिए यह होगा आम आदमी पार्टी का, 71 लाख घरों को जीरो बिल आएगा सर। और ये हम हवा में नहीं बताते कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा वगैरह वगैरह, हम तो करते हैं भाई, हम 15 लाख नहीं, हम तो ये कहते हैं आपकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, आपका स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली फ्री हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा,
और महिलाओं के लिए हमने अलग से सम्मान राशि रखी हुई है, और बाकी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लेवल के हो जाएंगे। देखो हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो बोलते रहते हैं, एक सिर्फ 25 सेकंड के लिए आप अपने दिल की भड़ास चीख मार कर जो निकालना चाहते हो निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल, भारत माता की, इनकलाब। अब मैं बुलाना चाहूंगा देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले आप सबके लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल साहब। भारत